हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि क्यों लाया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में, और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के बाद ही ज़रूरत पड़ गई एक नए कानून की, जो यह इस बात का प्रमाण है कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी और उसको दूर करना ज़रूरी था, और इसीलिए ये एक्ट आया। इससे पहले कि उन प्रावधानों को देखें कि इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा आप जानिए कि ये पिट्स नाम कहां से आया, क्योंकि बाकी जितने अधिनियम होंगे उसमें कोई नाम नहीं आएगा। ये एक व्यक्ति का नाम है और वह व्यक्ति है विलियम पिट। और ये कौन थे, ये थे उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री। चूँकि इन्होंने ही इस बिल को पेश किया था जो बाद में एक्ट बना, तो उनके नाम पे इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसके द्वारा जो चेंजेज लाए गए वह क्या था। तो पहला जो चेंज था और जो 1773 के अधिनियम की एक प्रॉब्लम थी, वह यह कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, परिषद थी, जिसको क्या बोलते हैं, कार्यकारी परिषद, उसके सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया। पहले कितनी थी, पहले थी 4, 1+4, 1, यानी गवर्नर जनरल। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको घटाकर कर दिया गया 3, ताकि वो जो एक डेढ़ लाख क्रिएट हो जाता था, 3 लोग एक तरफ हो जाते थे या 2 लोग एक तरफ हो जाते थे, या गवर्नर जनरल कोई काम नहीं कर पाता था, तो उस समस्या को दूर करने के लिए इसकी संख्या घटा दी गई 4 से 3। आपको केवल एक पॉइंट याद करना है कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया, 4 से 3 कर दिया गया। दूसरा जो चेंज आता है वह यह कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कार्यों का विभाजन हुआ, 2 भागों में इसके कार्यों को बांट दिया गया। एक को कहा गया व्यापारिक और दूसरे को कहा गया राजनीतिक, यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस थे उनको डिवाइड कर दिया गया कि एक भाग ये और दूसरा भाग ये। जब काम डिवाइड हो गए तो जाहिर सी बात है कि उसको देखने के लिए अलग अलग एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए जो कॉमर्शियल को देखे, और एक दूसरा होना चाहिए जो राजनीतिक को देखे। तो इस हिसाब से 2 ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम आता है, दोहरा नियंत्रण जिसको आप कह सकते हैं, दोहरा नियंत्रण। और यह किस रूप में हुआ, इस रूप में हुआ कि ये जो व्यापारिक गतिविधियां थी इनको नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त होते थे, उसके आदमी थे। और चूंकि ध्यान रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए, तो व्यापारी कार्यों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वह इसको किसके माध्यम से देखेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। लेकिन जो राजनीतिक कार्य थे उसके लिए एक नया बोर्ड बनाया गया, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक बोर्ड बनाया गया जो कंट्रोल करेगा कैसे कार्यों को, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं क्या, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। चौथी चीज कि पॉलिसी के लेवल पे ये कहा गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अपना क्षेत्रीय
विस्तार की नीति को बंद कर देगी। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य का विस्तार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ एक छूट थी, आप जानते हैं कि वह विस्तार चलता रहा और कब तक चला, 1856 तक। और 1857 में जब क्रांति हो जाती है तब अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को छोड़ा। लेकिन इसमें ये ज़रूर कहा गया कि जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है उस पॉलिसी को छोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक रास्ता था, रास्ता ये था कि कंपनी आक्रामक यानी ऑफेंसिव वार नहीं करेगी, वह खुद किसी पर अटैक नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई दूसरा अटैक कर देता तब तो सुरक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा ना, और लड़ने में यदि सामने वाला हार जाता तो उसका क्षेत्र स्वाभाविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाता। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस चीज़ को कहा गया कि क्षेत्रीय विस्तार की नीति को बंद कर दिया जाएगा, जो कि वास्तव में कभी बंद नहीं हुआ, चलता रहा। पांचवी बात यह है इसमें कि बॉम्बे और मद्रास बंगाल के अधीन हो गए। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ तो सर आपने रेगुलेटिंग एक्ट के समय भी कहा था, तो उसको आप क्लियर कर लें कि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन करने का जो प्रावधान 1773 में था वह केवल पॉलिटिकल एरिया में था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि इसको करके क्या कर दिया गया, सभी मामलों में। पहले क्या था, केवल विदेशी मामलों में, युद्ध और संधि के मामलों में। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कहा गया कि सभी मामलों में बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं वे बंगाल के अधीन हो रहेंगे। तो ये मेजर चेंजेस थे। पहला चीज ये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उनको अलग अलग देखने के लिए एक बॉडी चाहिए। तो व्यापारिक के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। चौथी बात जो लागू नहीं की गई लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहा गया कि जो क्षेत्रीय टेरिटोरियल एक्सपेंशन है उस पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। ऑफेंसिव वॉर नहीं करेगी कंपनी, डिफेंसिव वॉर करेगी। और पांचवें जो मेजर चेंज हुआ वह है कि बॉम्बे और मद्रास को पूरी तरीके से सभी मामलों में, केवल पॉलिटिकल नहीं, केवल फॉरेन मामले नहीं, बल्कि सभी मामलों में, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सिविल हो या पॉलिटिकल हो, हर मामले में बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये 5 मेजर चेंजेस थे। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।